विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलो इंडिया प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं, लाइवलीहुड कॉलेज, टेक्निकल एजुकेशन और रोजगार के मुद्दे पर सवाल पूछे गए। विपक्षों ने सदन की कार्यवाही के दौरान छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का मुद्दा उठाया। अजय चंद्राकर ने खेल एवं युवा कल्याण मंत्री से पूछा कि खेलो इंडिया के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को कितनी राशि कब कब और किन किन कार्यों के लिए प्राप्त हुई। इस पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने जवाब दिया। छत्तीसगढ़ी खेलों को संबद्धता और नौकरी में खिलाड़ियों को आरक्षण पर सदन में हंगामा हुआ। सदन में प्रश्नकाल में धरमलाल कौशिक और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच तीखी बहस देखने को मिली। श्री कौशिक ने दुर्ग में मेडिकल मशीनरी खरीदने के दस्तावेजों में गड़बड़ी कर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया। श्री सिंहदेव ने जवाब देते हुए कहा कि सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जांच की जरूरत नहीं है। इस बात पर सदन में बवाल हो गया है। करीब एक घंटे की कार्यवाही के बाद प्रश्नकाल खत्म हो गया। माननीय उपाध्यक्ष जी, कल तो आपने मेरी बातों को निकाल दिया। अगर प्रश्न काल में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक ऐसा डिस्टरबेंस करते हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, कल आपने रेबीज का इंजेक्शन बुलवाया, सबको लगवा दीजिए। मंत्री जी, मतलब क्या कहना चाह रहे, गलत बात है। अग्रवाल जी, मंत्री जी, दो मिनट, अग्रवाल साहब, हम तो निलंबित होने के बाद ब्रिजमोहन भाई, ये तो साक्षात कोई चीज आपको खराब लगी है तो माफ करें, आप लगवा दीजिए, सब ऐसे उद्देश्य नहीं था। देखिए प्रश्नकाल बहुत ही ज्यादा खराब, प्रश्नकाल में और सचिव महोदय, हमारी बातों को निकाला जाता है, हमको रैबीज लगाया जाएगा, आप उसको नोट करवाते हैं। मैं आरोप लगा रहा हूँ आपके ऊपर। दिल्ली में रहूंगा, निकल जाता है प्रश्नकाल में, निकाल दिया जी। और शर्मा साहब, दिल्ली से सर, वो किस बात की आनी चाहिए, आप लोग ही ऐसे हरकत कर रहे हैं। दो मिनट अभी अपने आप को झांक के देखो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, प्रश्नकाल है, इसको समझना है। प्रश्नकाल चूंकि महत्वपूर्ण काल होता है, सबका अवसर रहता है, माननीय लोग इंतजार, अभी दो प्रश्न नहीं हुआ है, 35 मिनट हो गया, कृपया शांत रहिए। आप बोलिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मेरा पॉइंट व्यवस्था का प्रश्न है, प्रश्नकाल में व्यवस्था का, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय प्रश्नकाल में माननीय उपाध्यक्ष जी, ये क्या हो रहा है, व्यवस्था का प्रश्न है, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। मंत्री जी, प्रश्नकाल में व्यवस्था का नहीं रहता, आप शांत रहिए, आप बोलिए। मेरा पॉइंट प्रश्न है माननीय उपाध्यक्ष जी। हाँ भाई, क्या देता हूँ, आप नहीं लाए हैं तो मैं पढ़ देता हूँ, आप दे दीजिए। इसमें दिया हुआ इसमें दिया हुआ है तो आपके पास है ही, सिंगल टेंडर इंक्वायरी। मैं पढ़ देता हूं, प्रोक्योरमेंट मेरे पास भी मिल गया है। ये सिंगल सोर्सेज में भी रिसोर्टेड टू इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस, और इसमें वन में दिया हुआ है कि इट इज इन द नॉलेज ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट डेट ओनली ए कल तो राज्यपाल जी अंग्रेजी पढ़ रहे थे तभी विरोध कर रहे थे, मैन्युफैक्चर ऑफ द राज्यपाल जी अंग्रेजी पढ़ रहे थे, यदि विरोध कर रहा था, अंग्रेजी में मत पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। चलिए आप थोड़ा सहयोग कीजिए, जो आपका जवाब है मंत्री जी अंग्रेजी कहे वो, उसकी पूरी बधाई संसदीय कार्य मंत्री की, विरोधता का उत्कृष्ट प्रदर्शन, माननीय उपाध्यक्ष हल्ला करवाना ही उनका काम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें दिया हुआ है मंत्री जी,
इसमें दिया है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इन द फॉलोइंग फ्रॉम इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑब्लिक इसमें दिया है डिपार्टमेंट बी फोर इसमें जो दिया हुआ है कि आपने कहा कि जो सीएमएचओ को अधिकार उनको नहीं है किसके आधार पर आपके जनरल फाइनेंस रूल 2017 का आपने दिया है 2017 का इसमें जो अधिकार है ये अधिकार आपके संचालक को है या आपके कमिश्नर को है तो क्या इसकी ये कब इनके द्वारा अनुमोदन किया गया संचालक या डायरेक्टर कमिश्नर के द्वारा ये आप तारीख बताएंगे।